हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अवेयर में। तो आज हम इस वीडियो में क्लास सेवन का प्रैक्टिस सेट 13 सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड एलसीएम। अभी हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम का मीनिंग क्या आता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 12 में क्या निकाला था, एससीएफ फाइंड किया था। ओके, तो अभी प्रैक्टिस सेट 13 में हमें एलसीएम फाइंड करना है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 12 नहीं देखा है तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो क्या बोला है क्वेश्चन हमें, फाइंड द एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट क्या है, 12 एंड 15, इनका हमें एलसीएम निकालना है। क्या करना होगा, पहले इनको फैक्टराइज करना होगा। 12 को फैक्टराइज करते हैं, ये 2 से चला जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 सिक्स ज़ा 12, अगेन ये 2 से हो जाएगा, 2 थ्री ज़ा 6। अब ये क्या है, 3 से ही जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 3 वन ज़ा 3, ये हो गया 12 का फैक्टराइज। वैसे ही हमें क्या करना है, 15 को भी फैक्टराइज कर लेना है। अभी यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है तो ये किसे जाएगा, देखो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 फाइव ज़ा 15, 5 किसे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 वन ज़ा 5। यहाँ तक समझ गया। जैसे हम स्टेप में क्या करना है, हमें जो फैक्टर मिले ना उनके नीचे लिख लेना। अभी जैसे यहाँ पे 12 का फैक्टर क्या मिला है, 12 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का फैक्टर क्या है, 15 का फैक्टर है 3 इंटू 5। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन, देखो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ओके, एलसीएम निकालने के लिए ना हमें क्या करना होता है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो तो लेने ही होते हैं, प्लस इनटू क्या करना होता है, नॉन कॉमन फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं आपको समझाता हूँ। ओके, अभी इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखो कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर ये, यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पर एक 3 है। ओके, तो जब हम एलसीएम निकालेंगे ना, ये जो कॉमन फैक्टर कितना है, देखो एक कॉमन फैक्टर आया है। यहाँ पे देखो हम एलसीएम निकालने के लिए लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोला है मैंने, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, ये तो हमें लेना ही है। देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर जो आया है ना वो हमें लेना है, कितनी बार, इसको हम लेंगे 3। ओके, इंटू सेकेंड क्या बोला है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर मतलब जो कॉमन फैक्टर नहीं है ना उन्हें भी लेना है। ओके, तो कॉमन फैक्टर हमने ले लिया 3। उसके बाद देखो यहाँ पे और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो क्या बचा है, 2, 2 और 5, तो इनको भी हम लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। समझ में आया कैसे करना है, कॉमन फैक्टर को लेना ही है और जो नहीं है कॉमन फैक्टर जो नहीं है उनको भी लेना है। ओके, तो देखो 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 5 ज़ा 16, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 16, एलसीएम इज इक्वल टू 16। ओके, देखो इसमें क्या करना है ना, एलसीएम के केस में क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर लेने हैं साथ ही साथ नॉन कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन ऐसे ही एलसीएम निकालने के लिए एक और मेथड है, मैं उस मेथड को भी आपको बता देता हूँ। अभी देखो सेकंड में क्या करना है, हमें ना 12 और 15 एक साथ ना, एक साथ इनको फैक्टराइज करना है। देखो ऐसा कॉमन नंबर लेना है कि दोनों से डिवाइड हो जाए, तो ये किससे होगा, देखो 3 से, 3 फोर ज़ा 12 एंड 3 फाइव ज़ा 15। अभी 4 और 5 किसी टेबल में आते हैं, किसी कॉमन टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं, तो हमें यहीं पे स्टॉप कर देना। और नेक्स्ट क्या करना है, अभी इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो एलसीएम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, देखो 3 4 ज़ा 12 12 5 ज़ा 16, तो एलसीएम कितना आ गया, 16 आ गया ना। चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो, तो देखो एलसीएम दोनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके, आपको जो मेथड ईजी लगता है आप उस मेथड से कर सकते हो। सेकेंड है 6 8 10, देखो तो अब इनका सेम निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम फैक्टराइज करेंगे 6 को, देखो 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, ये हो गया 6 को। अब इसी तरह हमें 8 को करना है, 8 को फैक्टराइज करेंगे, देखो ये 2 से चला जाएगा, 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, 10 को फैक्टराइज करेंगे, 2 5 ज़ा 10 5 1 ज़ा 5, फैक्टर लिखने। देखो 6 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3, 8 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, वैसे 10 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 5, ये फैक्टर हमने लिख लिया। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, पहले जो कॉमन फैक्टर है ना उनको देखना है, पहले कॉमन फैक्टर जो है उनको लिखना है। क्या करना था, एलसीएम निकालने के लिए कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर देखो कॉमन फैक्टर ये 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ओके, ये हो गया कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, और कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। देखो
कॉमन फैक्टर कितना, एक है, मतलब टू का एक पेयर है, और जो बाकी कॉमन फैक्टर नहीं है, जो नॉन कॉमन फैक्टर, उनको भी लिखना है। तो देखो यहाँ पर हमने टू लिखा, जैसे क्या है यहाँ पर, थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव, ये सब क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को एक बार लिखना है, अब नॉन कॉमन फैक्टर को भी लिखना है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ज़ा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई फाइव, ट्वेंटी फोर फाइव ज़ा कितना होता है, वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी। एलसीएम कितना आ गया, वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी। सेकेंड मेथड से आपको बता दूँ तो कैसे करना है, देखो सिक्स एट एंड टेन लेना है, इन तीनों को किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड करना है। देखो ये टू से हो जाएगा, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट एंड टू फाइव ज़ा टेन। अब यहाँ पे देखो, अगर ना इसमें ना कोई भी दो नंबर ना अगर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होते हो ना, तो भी हम कर सकते हैं, ओके, कोई दो नंबर। पर यहाँ पे देखो थ्री फोर फाइव, ये तीनों ही नंबर डिफरेंट है, तो किसी किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी हम एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, ये लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, देखो ये टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फाइव। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर, ओके, सिक्स फोर ज़ा कितना आया, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई फाइव करेंगे, आंसर कितना आएगा, वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी। किसी भी मेथड से करो, आंसर क्या आने वाला है हमारा, वही आने वाला है, ओके। थर्ड देखो क्या है, एट्टीन एंड थर्टी टू, ओके, तो ये देखो टू से हो जाएगा, टू नाइन ज़ा एट्टीन। अब ये थ्री से जाएगा, थ्री थ्री ज़ा नाइन, अगेन ये थ्री से, थ्री वन ज़ा थ्री, थर्टी टू को फैक्टराइज करेंगे, टू से हो जाएगा, देखो टू वन ज़ा टू, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, टू एट ज़ा सिक्सटीन, टू फोर ज़ा एट, टू टू ज़ा फोर एंड टू वन ज़ा टू। ये क्या कर लिया हमने, इनको फैक्टराइज कर लिया। अभी क्या करना है, इनके फैक्टर हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो एटीन का फैक्टर क्या है, टू इंटू थ्री इंटू थ्री, और थर्टी टू के फैक्टर क्या है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब इसमें कॉमन फैक्टर पहले क्या है, देखो यहाँ पे टू है और यहाँ पे भी टू है, तो कॉमन फैक्टर ये टू हो गया, और कहीं टू दिख रहा है नहीं, और थ्री भी नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा, टू हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू, देखो कॉमन फैक्टर कितना है, एक, तो टू और टू, तो हमें टू और टू अलग अलग नहीं लिखना है, इन दोनों का एक ही लिखना है, तो कॉमन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और बचे हुए जो कॉमन फैक्टर नहीं है उनको भी लिखना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, थ्री है, ये यहाँ पर एक थ्री है, दो थ्री हो गया, और बाकी कितने, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स क्या है, टू है, तो इनको भी लिख लेना है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, फोर टाइम्स, ओके। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स थ्री ज़ा एट्टीन, तो यहाँ पे लिख लेंगे एट्टीन, देखो यहाँ तक किया ना हमने। अब यहाँ देखो टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्सटीन। अभी एट्टीन मल्टीप्लाई सिक्सटीन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा टू हंड्रेड एंड एट्टी एट, ओके, हमें आंसर क्या मिलेगा, टू हंड्रेड एंड एट्टी एट। यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया, एलसीएम यहाँ पे देखो क्या है, टेन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी, पहले इनको हम फैक्टराइज कर लेंगे, देखो टू फाइव ज़ा टेन एंड फाइव वन ज़ा फाइव, फिफ्टीन को निकाल, फिफ्टीन को फैक्टराइज करेंगे, देखो थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन एंड फाइव वन ज़ा फाइव, टू वन ज़ा टू एंड ज़ीरो एज इट इज़, टू फाइव ज़ा टेन एंड फाइव वन ज़ा फाइव, तीनों को फैक्टराइज कर लिया। तो अब इनके फैक्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो टेन के फैक्टर क्या है, टू इंटू फाइव, फिफ्टीन के फैक्टर क्या है, थ्री इंटू फाइव, और ट्वेंटी के फैक्टर क्या है, टू इंटू टू इंटू फाइव। पहले हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर देखना है, कॉमन फैक्टर है क्या तीनों में, यहाँ में देखो फाइव एक यहाँ पर है, इसमें भी फाइव है और इसमें भी फाइव है, तो क्या हो गया, ये एक कॉमन फैक्टर हो गया। और एक और मैं चीज़ बता दूँ आपको, इसमें देखो क्या करना है, एलसीएम में किसी भी दो नंबर में ना अगर कॉमन नंबर मिलता है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि मैं बताऊँ यहाँ पर, अभी यहाँ पर देखो टेन में क्या है, टू है, बट फिफ्टीन में टू है क्या, नहीं है, ट्वेंटी में टू है, ओके, यहाँ पर क्या है, ट्वेंटी में टू है। एलसीएम में क्या है, अगर किसी दो नंबर में भी ना अगर कॉमन नंबर मिलते हैं ना, तो वो भी क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। एचसीएफ में हमने क्या देखा था, जो भी नंबर है वो तीनों नंबर में होना चाहिए या दोनों नंबर में होना चाहिए, बट एलसीएम में कैसा है, अगर किसी भी दो नंबर में ना अगर कॉमन नंबर मिलता है, तो वो भी हो जाएगा कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखो फाइव तो कॉमन फैक्टर है ही है, बट यहाँ पर टू भी कॉमन फैक्टर हो जाएगा, कॉमन फैक्टर लिख लेंगे। तो देखो एलसीएम इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर पहला क्या है, फाइव है,
दूसरा क्या है, टू है। ओके, अब जो कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कौन सा कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पर, देखो थ्री और ये टू, ये क्या है, नॉन फैक्ट नॉन कॉमन फैक्टर, तो इनको भी क्या करना है हमें यहाँ पे लिख लेना है, थ्री और मल्टीप्लाई टू। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो फाइव टू ज़ा टेन, टेन थ्री ज़ा थर्टीन, एंड थर्टीन टू ज़ा सिक्सटीन, तो आंसर क्या आ गया, सिक्सटीन। एल सी एम देयर फॉर एल सी एम इज इक्वल टू सिक्सटीन, ये हो गया एल सी एम हमारा आ गया। ओके, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, देखो किसी भी दो नंबर में ना अगर कॉमन नंबर मिले तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं। फिफ्थ देखो, 45 और 86, यहाँ 45 है, ये टू से नहीं होगा, थ्री से हो जाएगा। देखो थ्री वन ज़ा थ्री एंड थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, अगेन ये थ्री से हो जाएगा, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, फाइव वन ज़ा फाइव, अभी 86 है, देखो ये टू से हो जाएगा, टू फोर ज़ा एट, टू थ्री ज़ा सिक्स, अभी ये क्या है, 43। 43 क्या है, 43 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, या तो ये एक से डिवाइड होगा या तो ये इट सेल्फ, मतलब ये खुद के नंबर से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 43 को 43 से डिवाइड करेंगे, 43 वन ज़ा 43 फैक्टर हो गया। अभी हम के फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पर, 45 का क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और 86 के क्या है, 2 मल्टीप्लाई 43। यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, ओके यहाँ पे इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एलसीएम कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या करना है, जो भी नॉन कॉमन फैक्टर है उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन फाइव ज़ा 45। ओके, मल्टीप्लाई टू, अब यहाँ तक हमने कर लिया, देखो टू 23 टू ज़ा 86। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3870। आप चाहे इनको रफ बुक में कर सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। एलसीएम क्या हो जाएगा, देयर फॉर एलसीएम इज इक्वल टू 3870। हो गया सिक्स, देखो 15 30 एंड 19, यहाँ पे देखो मैं इनका बिना फैक्टर निकाले डायरेक्ट मेथड से कर देता हूँ, सेकंड वाले 15 13 एंड है थर्ड 19। किसी कॉमन नंबर से तीनों भी नंबर डिवाइड होने चाहिए, अदरवाइज इसमें से एटलीस्ट दो नंबर क्या होने चाहिए, किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होने चाहिए। यहाँ पर देखो 15, 13 एंड 19, ये तीनों भी क्या हो जाएंगे, थ्री से डिवाइड हो जाएंगे। देखो थ्री फाइव ज़ा 15, नेक्स्ट क्या है 13, थ्री वन ज़ा थ्री एंड ज़ीरो, थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड ज़ीरो, क्या करेंगे इनको फाइव से कर देंगे। देखो फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन एंड फाइव सिक्स ज़ा 13। अभी यहाँ पर भी देखो, अभी भी टू और सिक्स किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, किससे, टू से हो जाएंगे। जो नंबर नहीं होगा उसे हमें लिख लेना है, टू वन ज़ा टू, यहाँ पे वन एज इट इज़ लिख लेना है, टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स। ओके, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अभी यहाँ तीनों देखो कोई कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो क्या करना है, यहीं पे हमें स्टॉप कर देना है। तो हमें यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई थ्री। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, फिफ्टीन टू ज़ा थर्टी, ओके थर्टी आया। देखो वन वन मल्टीप्लाई वन वन आएगा, वन मल्टीप्लाई थ्री थ्री आएगा, थर्टीन थ्री ज़ा देखो थ्री थ्री ज़ा नाइन, ओके ये ज़ीरो यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना आंसर आ गया, 19। एलसीएम हमारा हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम कितना हो जाएगा, 19 आ गया। सेवन थे 105 एंड 195, देखो ये थ्री से जाएगा, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री थ्री ज़ा नाइन एंड थ्री फाइव ज़ा 15, अभी किससे जाएगा, ये फाइव से जाएगा, फाइव सेवन ज़ा 35, सेवन वन ज़ा सेवन, नाइन प्लस वन टेन, टेन प्लस फाइव 15, तो थ्री से हो जाएगा, थ्री सिक्स ज़ा 18, ओके यहाँ पे एक जाएगा, तो थ्री फाइव ज़ा 15, ये किससे जाएगा, फाइव से जाएगा, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव थ्री ज़ा 15, अगर ये 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर किससे डिवाइड होगा, प्राइम नंबर से होगा, 13 वन ज़ा 13। ये हमने फैक्टराइज कर लिया, अब इनके फैक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो 105 के फैक्टर क्या है, थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन, और वैसे ही 195 के फैक्टर क्या है, थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई 13। अभी हम क्या करेंगे, इनके कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो यहाँ पर देखो ये थ्री और ये थ्री कॉमन फैक्टर है, ये फाइव और ये फाइव कॉमन फैक्टर है, तो हमें कॉमन फैक्टर मिल गए। और जो नॉन कॉमन फैक्टर है कौन कौन से, 17 एंड 13 है, तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू, देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है, थ्री, तो थ्री एक बार लेंगे, नेक्स्ट नंबर कौन सा कॉमन, फाइव है, तो फाइव भी एक बार लेंगे, उसके बाद
जो कॉमन फैक्टर नहीं है उनको भी हमें लिख लेना है। तो 7 × 13, 3 × 5 = 15, ओके, और 13 × 7 = 91। अब क्या करेंगे, 15 × 91 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1365। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 1365, ये हमारा हो गया एलसीएम। तो ये 12 किससे जाएगा, 2 × 7 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, ये हो गया फैक्टराइज ऑफ 15 को करते हैं तो वही 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, 45, ये भी 3 से जाएगा, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 5 = 15, अगेन ये 3 से हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, फैक्टराइज कर लिया। अब इनका हम फैक्टर लिखेंगे, तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 × 2 × 3, और 15 के फैक्टर कौन से हैं, 3 × 5, वैसे ही 45 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 3 × 3 × 5, ये लिख लिया हमने। अभी हमें क्या करना है, इनके कॉमन फैक्टर देखना है। तो यहाँ पे देखो, ये एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, और यहाँ पे ये 3 है, एक हो गया ये कॉमन फैक्टर का पेयर, ओके, ये वाला। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या, एक 5 है और यहाँ पे एक 5 है। मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी दो नंबर में अगर कॉमन नंबर मिलता है तो क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, ये भी क्या हो जाएगा, एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ओके। भले ही 12 में रहे चाह ना रहे, मतलब एटलीस्ट कम से कम दो नंबर में क्या होने चाहिए, वो नंबर सेम होने चाहिए, तो वो भी क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर। तो हमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से मिल गए, 3 और 5 मिल गए। यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू, एलसीएम इज इक्वल टू, 3 एक कॉमन फैक्टर है और एक क्या है, 5 कॉमन फैक्टर है, और जो बचे हुए हैं वो क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे उनको, देखो कौन कौन से, 2 और ये 2, 2 × 2, और कौन सा है, ये यहाँ पर 3 है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 13, 13, ओके, यहाँ तक हमने कर लिया मल्टीप्लाई, 2 × 3 = 6। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो 3 × 6 = 18, और ये 0 यहाँ पे आ जाती है। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू हो गया 180। आप चाहे उसको सेकेंड मेथड से भी कर सकते हो, 9 थे देखो, 63 और 81, तो फैक्टराइज करेंगे, ये 3 से जाएगा, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7, ये भी 3 से जाएगा, 3 × 2 = 6, 2 × 7 = 21, अभी अगेन ये 3 से जाएगा, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 1 = 3। क्या करेंगे, इनके फैक्टर हम लिखेंगे यहाँ पर, 63 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 3 × 3 × 7, जैसे 81 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 3 × 3 × 3 × 3। अब इनमें देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो यहाँ पर देखो ये एक कॉमन फैक्टर है, ओके, ये एक कॉमन फैक्टर का पेयर है। सेकेंड यहाँ पर देखो, ये एक कॉमन फैक्टर और ये एक कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर के कितने पेयर मिल गए, 2, एक ये और एक ये, बाकी जो बाकी यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर 7 इसमें है, बट यहाँ पे 7 नहीं है, ये सब क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, उनको क्या करना है, वन टाइम लिखना है, मतलब एक बार लिखना है, देखो 3 और ये 3, ओके, ये 2 हो गया क्या कॉमन फैक्टर। अब जो नहीं है कॉमन फैक्टर उनको भी लिखना है, तो कौन सा है, 7 है और यहाँ पे ये 3 है, 3 × 3, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63, तो 63 लिख लिए। फिर यहाँ पे ये 2 बचा है, तो 3 × 3 = 9, क्या करेंगे, 63 × 9 करेंगे, तो 63 × 9 करेंगे तो आंसर मिलेगा 567। आप चाहे इनको रफ में कर सकते हो, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 567। देखो क्या है, 18, 36 एंड 27, इनको फैक्टराइज करेंगे, 18 को देखो 2 से चला जाएगा, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1, ओके, 18 का फैक्टराइज हो गया। अभी क्या करेंगे, 36 को फैक्टराइज करेंगे, देखो 2 से हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 1 = 3। वैसे 27 को फैक्टराइज करेंगे, ये देखो 3 से जाएगा, मतलब 3 से डिवाइड होगा, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9
थ्री वन जा थ्री, फैक्टराइज कर लिया हमने। अभी क्या करना है, इनके फैक्टर जो है वो लिखना है इनके सामने। तो 18 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3। 36 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 27 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। देखो तो कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पर भी क्या है, 2 है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, कम से कम दो नंबर में हमें क्या मिलने चाहिए, कॉमन नंबर मिलने चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। ओके तो यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ 36 में 2 है, ये कॉमन हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये एक कॉमन फैक्टर हो गया। ओके एक ये हो गया, एक ये हो गया। और देखो यहाँ पर, यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर भी 3 एक है और यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पे कितने कॉमन फैक्टर मिल गए हमें, तीन, तीन पेयर मिल गए। देखो यहाँ पे एक 2 का पेयर मिल गया, यहाँ पे एक 3 का पेयर मिल गया और यहाँ पे एक और 3 का पेयर मिल गया, मतलब 3 पेयर मिल गए हमें कॉमन फैक्टर। तो जो हमें पेयर मिले वो हमें क्या करना है, वन टाइम लिखना है, मतलब एक बार लिखना है। देखो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, तो पहला हमें कॉमन फैक्टर क्या मिला, 2, तो उसको हम लिख लेते 2। ओके नेक्स्ट हमें कॉमन फैक्टर क्या मिला, 3 मिला। देखो इन तीनों में भी क्या है, 3 है। ओके 3, और सेकेंड पेयर कौन सा है, यहाँ पर थर्ड पेयर, ये यहाँ पर है, ये रहा 3। और जो नहीं मिला है, जैसे कि जो कॉमन फैक्टर नहीं, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, और लिख लेना है 2 इंटू 3। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 मल्टीप्लाई, देखो 2 3 ज़ा 6, 18 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 108, 108। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 108। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमने सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन सेकंड क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर गिवन बिलो, वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे जो गिवन नंबर है ना, इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ओके एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम निकालना है, उसके बाद क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है क्या, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है ना वो हमारे गिवन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ये क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 32 एंड 37, बस हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ये 2 से चला जाएगा, 2 वन ज़ा 2, 6, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। वैसे हमें 37 को फैक्टराइज करना है। यहाँ पे देखो 37 ना किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि 37 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ओके प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो तो खुद अपने उस नंबर से डिवाइड होंगे या तो वन से डिवाइड होंगे, तो 37 क्या प्राइम नंबर है, तो 37 से ही डिवाइड होगा, 37 वन ज़ा 37। हमने क्या कर लिया, इनको फैक्टराइज कर लिया। देखो अब नेक्स्ट क्या करना है, इनके जो फैक्टर है ना हमें यहाँ पर लिखना है। देखो 32 का फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 37 का फैक्टर क्या है, 37 का फैक्टर है 37। ओके 37 का फैक्टर क्या है, 37। अभी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, तो देखो एचसीएफ निकालेंगे, हम लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू निकालना है, तो इसमें कॉमन फैक्टर देखेंगे, कहीं कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं। जब भी किसी भी नंबर में हमें कॉमन फैक्टर ना मिले तो हमारा एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ओके ये आपको पता है ना, जब भी हमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एचसीएफ हो गया 1। और एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लिकेशन नॉन कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो कोई है नहीं, तो क्या करना है, नॉन कॉमन फैक्टर का जितने भी नॉन कॉमन फैक्टर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 7। ओके तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, वो 32 मल्टीप्लाई 37, 32 मल्टीप्लाई 37 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1184। हमारा एलसीएम क्या हो गया, 1184। अभी देखो नेक्स्ट क्या बोला था हमें क्वेश्चन में, जो हमारा गिवन नंबर है ना, गिवन नंबर हमें क्या दिया है, 32 है। देखो गिवन नंबर क्या है, 32 और 37, तो जो गिवन नंबर का प्रोडक्ट है ना वो किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ओके तो इसको हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर,
ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो जो टू नंबर है वो कौन से टू नंबर है, 32 है और 37 है। प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो दो नंबर कौन से, 32 मल्टीप्लाई 37, 32 मल्टीप्लाई 37 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1184। ओके, अभी ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है ना, ये किसके बराबर होना चाहिए, HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर। ओके, तो HCF और LCM का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम, इन हमें क्या करना होगा, इनका भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू, देखो HCF कितना है, HCF हमने कितना निकाला, 1, और LCM कितना है, 1184 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1184। यहाँ पे देखो हमारा वेरीफाई हो गया, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। ओके, बस सिंपल यही करना है आपको। सेकेंड नंबर है देखो 46 एंड 51, पहले हम इनको फैक्टराइज कर लेंगे, टू से हो जाएगा डिवाइड, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, अभी क्या है 23, 23 क्या है, प्राइम नंबर है तो 23 से डिवाइड होगा, 23 वन ज़ा 23। वैसे अभी हमें 51 को फैक्टराइज करना है, वेट थ्री से जाएगा, थ्री टू ज़ा, थ्री वन ज़ा थ्री एंड थ्री सेवन ज़ा 21, अगेन ये क्या है 17 है, 17 क्या है प्राइम नंबर है तो 17 से ही डिवाइड होगा, 17 वन ज़ा 17। हमने क्या कर लिया, इनको फैक्टराइज कर लिया, अब इनके फैक्टर लिखेंगे, 46 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 23, और 51 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 17। अब यहाँ पे देखो अब हम HCF निकालेंगे, तो HCF में यहाँ पे HCF क्या होगा, HCF निकालेंगे यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में भी कहीं कॉमन फैक्टर नहीं है, जब भी हमें कॉमन फैक्टर ना मिले तो हमारा HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, ये या आपको याद है, HCF हमें मिल गया तो अभी हमें LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो देखो कॉमन फैक्टर कहीं इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या करना है, जो भी नंबर है उन सबका मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। यहाँ पे देखो 23 टू ज़ा 46 एंड 17 थ्री ज़ा 51, 46 मल्टीप्लाई 51 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2346। ओके, आप चाहे तो इनको रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हमें LCM क्या मिल गया, 2346। अभी हमें वेरीफाई करना है, ओके, जो हमारा गिवन नंबर है उसका प्रोडक्ट किसके बार, उसका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर कौन कौन से हैं, देखो 46 मल्टीप्लाई 51, 46 मल्टीप्लाई 51 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2346। ओके, अब ये किसके बराबर होना चाहिए, LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, देखो HCF हमारा कितना आया हुआ है, 1 आया है, और LCM क्या है, 2346, इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, 2346। यहाँ पर देखो HCF एंड LCM का प्रोडक्ट और गिवन टू नंबर का प्रोडक्ट क्या है, सेम है, वेरीफाई हो गया। थर्ड देखो 15 एंड 16, यहाँ पे हम 15 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 16 के फैक्टर तो 2 से हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 0, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, अगेन 3 जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। क्या कर लिया हमने, इनके फैक्टर निकाली, अभी यहाँ पे हम फैक्टर लिखेंगे, देखो 15 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 5, 60 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, ये 16 के फैक्टर, अभी हमें क्या करना है, इनमें कॉमन फैक्टर देखना है, यहाँ पे देखो ये एक 3 है और ये एक 3 है, ओके ये कॉमन फैक्टर हो गया, एक यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पे एक 5 है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 हो गया और एक 5 हो गया, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, हमें HCF में क्या देखना होता है, कॉमन फैक्टर ही देखना होता है। ओके, एक ये 3 हो गया और एक ये 5 हो गया, 3 5 ज़ा 15, तो HCF हमारा कितना आ गया, 15 आ गया,
अभी हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू, देखो एलसीएम में क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर देखना होता है, साथ ही साथ क्या करना होता है, नॉन कॉमन फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ देखो कॉमन फैक्टर क्या है, उसे हम लिख लेते हैं 3, और क्या है 5। नॉन कॉमन फैक्टर मतलब कौन से हैं, देखो 2 और ये 2 क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर, तो इनको भी हम लिख लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 एंड 32 ज़ा 60, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 60 और एचसीएफ कितना आ गया 15। ओके एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया। अभी हमें क्या करना है, जो गिवन नंबर है ओके इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, एलसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, मतलब हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ओके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से टू नंबर, 15 मल्टीप्लाई 16, देखो 15 6 ज़ा 90, ओके और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो प्रोडक्ट कितना आ गया हमारा 900 आ गया। अभी क्या करना है, यहाँ पर किसका प्रोडक्ट लेना है अभी, एस सी एफ और एल सी एम का, तो प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ एंड एल सी एम, तो देखो एस सी एफ हमने कितना निकाला है 15 है, और एल सी एम हमारा कितना है 16, 15 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो आंसर मिलेगा 900। तो वेरीफाई हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ एंड एल सी एम। बहुत देखो 2 से डिवाइड होगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 63 3 से हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। यहाँ देखो 18 का फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 63 के फैक्टर क्या हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 7। अभी हमें कॉमन फैक्टर देखना है, तो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर क्या है, ये 1 3 और ये 1 3, ये 1 3 और एक ये 3, तो कितने पेयर मिल गए कॉमन फैक्टर के, 3 3 के 2 पेयर मिल गए, देखो एक पेयर और एक पेयर। तो एस सी एफ निकालेंगे, तो एस सी एफ लिखेंगे, एस सी एफ इज इक्वल टू क्या है, एस सी एफ में क्या कर लेना पड़ता है हमें, बस कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर के कितने पेयर मिल गए, 2 1 2 1 3, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया इसका 3, तो 3 3 ज़ा 9, तो एस सी एफ हमारा कितना आ गया 9 आ गया। एल सी एम लिखना है, कॉमन फैक्टर क्या है 3 और 3 है, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 2 और 7, तो इंटू 2 इंटू 7 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और 18 7 ज़ा 126, ओके 18 7 ज़ा 126, ये हो गया हमारा एलसीएम। अभी हमें प्रोडक्ट से वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर कौन से दो नंबर है, एक 18 है और एक है 16, तो 18 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1134, ओके। अभी किसे वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ एंड एल सी एम से, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ एंड एल सी एम, एस सी एफ हमारा कितना मिला है 9 है और एल सी एम कितना है 126, ओके प्रोडक्ट बोला तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1134। यहाँ पे गिवन नंबर का प्रोडक्ट और हमारा एस सी एफ और एल सी एम का प्रोडक्ट क्या है, सेम है। लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, 78 एंड 104, देखो 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18, ओके ये 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 क्या है प्राइम नंबर तो 13 से ही होगा, 13 1 ज़ा 13, ये भी 2 से हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन ये 2 से हो जाएगा, 2 4 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, अगेन ये 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ओके ये क्या है, अभी 13 प्राइम नंबर तो 13 से होगा, 13 1 ज़ा 13। हमने क्या कर लिया, इनको फैक्टराइज कर लिया, अब इनके फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर, देखो 78 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 13, और 104 मतलब 104, इसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। अभी हमें क्या निकालना है, इनका एस सी एफ लिखना है, यहाँ पे एस सी एफ इज इक्वल टू, एस सी एफ में क्या देखना पड़ता है हमें, कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, देखो ये 1 2 है और ये 1 2 है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे क्या है 13 है, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 13, देखो 2 इंटू 13 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 13 2 ज़ा
26, तो एचसीएफ हमें कितना मिल गया 26 मिल गया। वैसे क्या करना है अभी हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या करेंगे जो कॉमन फैक्टर है वो तो लेंगे 2 इंटू 13, साथ में क्या करेंगे जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो भी लेंगे, तो क्या है 3 इंटू 2 इंटू 2। ओके अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 16 मल्टीप्लाई, देखो 3 2 6, 6 2 12, 26 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 312। ओके ये हो गया हमारा एल सी एम और ये हो गया एस सी एफ। अभी क्या करना है हमें वेरीफाई करना है। ओके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन से दो नंबर है वो 78 है और 178 मल्टीप्लाई 104, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8112। ओके ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अभी क्या करना है हमें इसको वेरीफाई करना है किससे, प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ एंड एल सी एम से। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ एंड एल सी एम, तो एस सी एफ हमें कितना मिला है 26 और एल सी एम कितना मिला है 312, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा वो 8112। ओके तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो क्वेश्चन सेकंड है वो भी सॉल्व हो गया है। तो इसी प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट 13 जो है सॉल्व हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।